एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत अर्न ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो आज का जो शेड्यूल होता है वो मैं आपको एक दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इन सभी और टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको ऑलरेडी थंबनेल बना के ऑलरेडी एक दिन पहले बता देता हूँ कि आज जो है वो किसकी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों आज भी एक इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए मैं सामने लेके आया हूँ, जो कि हमारे एनिमा के ऊपर। मैं सारी एनिमा की जानकारी आपको दूंगा, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इनका पर्पस है और डेफिनेशन क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इसमें वीडियो में दूंगा। उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये जीत ऑन ट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशंस पे करके, ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको हमारी इंपॉर्टेंट क्लास की, चाहे वो कोई वैकेंसी अपडेट हो, उसके माध्यम से, हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन जो है हमारी सबसे पहले आपको यूट्यूब पे मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एनिमा। तो आपको मैं पहले तो ये बता देता हूँ दोस्तों, एनिमा होता क्या है। एनिमा क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन को जो है स्टील करते हैं, एक सॉल्यूशन को जो है रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन में जो है क्या है डाला जाता है, किस किस पर्पस से आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्पस क्या हो दोस्तों इसको, जैसे फीवर को, जैसे टेम्परेचर को रिड्यूस करना है तो अपन इसे एनिमा यूज कर सकते हैं। उसमें कौन सा एनिमा यूज करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सारे टाइप्स मैं लिख के रखे हैं, एक एक करके आपको सामने डिस्कस करूंगा। उससे पहले टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, कोई मेडिकेशन आपको देनी है, उसके साथ में एनेस्थेटिक कोई एजेंट देना है, ठीक है, या फिर आपका जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करना होगा, है ना, या फिर कोई न्यूट्रिशन आपको देना है, फ्लूड या इलेक्ट्रोलाइट आपको देना है दोस्तों, तो अपन इसमें क्या है रेक्टम के थ्रू जो है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है जिसको अपन देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिमा बोलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारे यहाँ पे टाइप्स आपको दिख रहे होंगे, तो पहला जो है इवेक्यूएट एनिमा और इधर आप रिटेन एनिमा, यानी कि दो टाइप के मेन होते हैं, इवेक्यूएट और रिटेन। अब इवेक्यूएट में तो ये दोस्तों जैसे कोई मेडिसिन हो गई, टेम्परेचर रिड्यूस करना हो, वो सारी चीज आ जाएगी, और अगर रिटेन की बात करें तो रिटेन में कोई न्यूट्रिशन देना हो या किसी पर्पज से आपको यहाँ पे पेशेंट को एनेस्थीसिया देना हो वो भी दे सकते हैं, पेशेंट को यहाँ पे सेडेट करना हो वो भी दे सकते हैं, या स्टिमुलेट करना हो वो भी दे सकते हैं। तो ये किस में आएंगे, हमारे रिटेन एनिमा में आएंगे। बाकी इवेक्यूएट एनिमा में आपका सिंपल इवेक्यूएट आएगा, मेडिकेटेड इवेक्यूएट है, मतलब किसी कोई मेडिकेशन आपको स्टील करनी हो रेक्टम के थ्रू तो वो दे सकते हैं, कोल्ड एनिमा को टेम्परेचर रिड्यूस करना हो तो दे सकते हैं। अगर मेडिसिन में मैं बात करूं तो ऑयल एनिमा की बात करूं तो ऑयल एनिमा जैसा आपको पता है कि स्टूल को सॉफ्ट करेगा, परगेटिव एनिमा अगर पेशेंट को जो है कॉन्स्टिपेशन है तो ये क्या है पेरिस्टाइटिस मूवमेंट को क्या है बढ़ाएगा उसको अपन बोलेंगे परगेटिव एनिमा, एस्ट्रिजेंट एनिमा या फिर एंटी हेलमेटिक एनिमा, या फिर कोई भी जैसे उपवॉर्म है, कोई भी आपके इंटेस्टाइन में जो भी पैरासाइट है उसको किल करने के लिए, या कार्बोनेटिव एनिमा अगर पेट में गैस है, डिस्टेंशन हो रखा है आपका एब्डोमेन का, गैस पास नहीं हो रही, स्टूल पास नहीं हो रहा, तो अपन यहाँ पे कार्बोनेटिव एनिमा जो है वो दे सकते हैं। तो इनको मैं आपको क्या है एक एक करके पढ़ाऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी पूछा जाएगा यहाँ आपसे एनिमा के से, वो मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा और स्टार मार्किंग करके जरूर बताऊंगा कि जहां से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन आप इसको रब करके जिसको भी बनाना हो अपनी नोटबुक में बना सकता है, नोट कर सकता है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिर मैं आपको एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करूंगा कौन सा एनिमा जो है वो कहाँ काम आता है और इसमें जो है वो किस कौन सा सब्सटेंस अपन यूज करते हैं, वो सारी जानकारी अपन आगे इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस भी नोटबुक में लिखना है वो लिख सकते हैं। अब अपन इसमें सिंपली एक साइड में मैं ये लिखा रहता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, फिर एक एक करके अपन इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या इनका पर्पस होता है और ये कहाँ पे दोस्तों यूज हुआ करते हैं। तो पहला अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सिंपल इवेक्यूएट एनिमा यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं किस काम में आता है ये। तो पहला अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल इवेक्यूएट एनिमा। तो दोस्तों अब सिंपल इवेक्यूएट एनिमा कहां पे यूज हो जाता है, ये सिंपल इवेक्यूएट एनिमा वहां यूज करेंगे जहां पे दोस्तों पेशेंट को जो है वो कॉन्स्टिपेशन होगा। जैसे मैंने आपको पर्पस में बताया था क्यों एनिमा यूज करते हैं, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो यूज करते हैं। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं सिंपली टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, या फिर ये लिख सकते हैं टू रिलीफ
रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो सिंपल इवैक्यूएट एनिमा कहाँ यूज करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को अपन रिड्यूस करने के लिए, रिलीफ करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करने के लिए यूज करते हैं सिंपल इवैक्यूएट एनिमा। ठीक है, आप इसको जस्ट सिंपल लिख के, अब मैं इसमें रब करता हूँ, फिर अपन चलेंगे मेडिकेटेड जो इवैक्यूएट एनिमा है उसके बारे में। तो अपन चलते हैं अपना जो सेकेंड है, तो अपना सेकेंड है यहाँ पे कौन सा? मेडिकेटेड इवैक्यूएट। तो मेडिकेटेड इवैक्यूएट में अपना पहला कौन सा हो जाएगा? ओवल एनिमा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख लेता हूं ऑयल एनिमा। सिंपली जस्ट मैं आपको यहाँ पे पर्पस बताता हुआ जा रहा हूँ, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा कि कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं और बाकी कितने आपका हाइट में देते हैं, वो सारी चीज मैं आपको बाद में डिटेल में वीडियोस में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे पर्पस बता रहा हूँ जहां से आपके क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सा है? ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा किस काम में आता है? टू सॉफ्टन द हार्ड फीकल, यानी कि आपका जो स्टूल है, आपका जो फीकल है, वो कंटेंट अगर हार्ड हो गया है, मान चलिए अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हुआ और उसका जो फीकल कंटेंट है वो यहाँ पे हार्ड हो चुका है, जिसके द्वारा जो भी पर्सन है, पेशेंट है, वो स्टूल पास करने में असमर्थ है या फिर स्टूल पास नहीं कर पा रहा, तो उस स्टूल को दोस्तों यहाँ पे ऑयल एनिमा के साथ में आपको डाल के आपका जो स्टूल है उसको सॉफ्ट किया जाता है, ताकि जो फीकल कंटेंट है वो इजीली जो है वो निकल जाए। तो इससे आपका क्या, स्टूल सॉफ्ट करेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑयल एनिमा बोलेंगे। अब इसको लिखने के बाद अपना जो नेक्स्ट है दोस्तों वो क्या है? परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा किस काम में आता है? अपन लिख लेंगे परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा की मैं बात करूं तो आप यहीं पे इसका, अगर इसको याद करने का सही तरीका है, यहां पे पी और पी से अपन यहां डायरेक्ट लिख देते हैं, तो टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, टू इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, यानी कि किसी पेशेंट के अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है तो आपको उसको पता है कि ऑलरेडी उसको कॉन्स्टिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो आगे जो भी है वो सबस्टेंस नहीं जाएगा या फिर आगे जो है कंटेंट है वो फीकल आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको इंक्रीज कराने के लिए अपन कौन सा एनिमा देते हैं? पी से पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं परगेटिव एनिमा किस काम में आता है? पी से अपने मैंने बता दिया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करने के काम में आता है, जो कि था हमारा यहाँ पे सेकंड वाला। अगर मैं अब बात करूंगा हमारा तीसरा जो है वो एस्ट्रिजेंट एनिमा। जैसे कि इसके नाम में लिख रहा है यहां पे एस्ट्रिजेंट एनिमा, तो यहां पे आप लिख सकते हैं या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। किसी भी प्रकार का दोस्तों यहां पे अपना लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन डायरेक्टली जो है एक एनिमल लगाते हैं, उसका क्या नाम है यहाँ पे? एस्ट्रिजेंट एनिमा जो है वो उसका नाम हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए एस्ट्रिजेंट एनिमा अपन यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जो कि था हमारा थर्ड नंबर का। अब अपन चलेंगे जो फोर्थ नंबर का अपना एंटी हेलमेटिक एनिमा। ठीक है, तो हमारा फोर्थ नंबर का है एंटी हेलमेटिक एनिमा। सो इसके नाम से आपने जानते हैं कि आपने सुना हो कभी कभार के बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, उसके लिए आपने कोई मेडिसिन ले ली। ठीक है, आपने ये ज्यादा सुना होगा कि कोई पैरासाइट जो है वो आपके इंटेस्टाइन में है, अब उसको कैसे किल करना है तो क्या देना पड़ेगा। ठीक है, मेडिसिन के अलावा दोस्तों यहाँ पे एनिमा भी दे सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं आप टू डिस्ट्रॉय और किल द पैरासाइट। कोई भी दोस्तों यहां पे पैरासाइट हो सकता है, तो उसको किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन क्या देते हैं? एंटी हेलमेटिक एनिमा जो है वो देते हैं, ताकि वो जो पैरासाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और किल हो जाए अपन जो एनिमा इंजेक्ट करेंगे उससे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा फोर्थ नंबर का एंटी हेलमेटिक एनिमा। अब अपना जो लास्ट बताया दोस्तों यहां पर कार्मिनेटिव एनिमा। हमारा ये लास्ट बचा है
कार्मिनेटिव एनिमा। अब उसमें कार्मिनेटिव एनिमा की बात करूं तो ये किस जगह देते हैं, जैसे मैंने आपको पर्पस में बताया था, अगर पेशेंट का यहाँ पे गैसेस डिस्टेंशन हो रहा है, एब्डोमेन डिस्टेंस हो रहा है गैसेस से, तो वहां कौन सा देते हैं अपन लोग, कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं टू रिड्यूस गैसियस डिस्टेंशन। उससे यहां पे किसी पेशेंट की गैस पास नहीं हो रही है, उसकी वजह से एब्डोमेन डिस्टेंड हो रहा होता है, तो उसको अपन लोग एनिमा प्रदान करते हैं ताकि उसका जो गैसेस डिस्टेंशन है वो यहाँ पे कम हो जाए और इजिली पेशेंट जो है वो गैस पास कर सके। तो उसमें कौन सा यूज करेंगे अपन, कार्बोनेटिव यूज करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ वापस से, कि आपने सिंपल इवेक्यूएट में पढ़ा था कि यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो सिंपल इवेक्यूएट एनिमा अपन देंगे। फिर जो अपना सेकंड पार्ट था कि मेडिकेटेड एनिमा, इसमें मेडिसिन मेडिकेटेड देते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट था ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा क्यों देते हैं, ताकि जो उसका फीकल कंटेंट है वो जो है हार्ड से क्या है सॉफ्ट हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था पर्गेटिव एनिमा, पी से पेरिस्टेसिस मूवमेंट, तो पेरिस्टेसिस मूवमेंट क्या है, उससे उसके इंक्रीज हो जाएंगे जिससे जो है फीकल कंटेंट इजिली वो पास कर देगा। बाकी मैंने बताया था एस्टिजेंट एनिमा हमारा नेक्स्ट था, ताकि पेशेंट में अगर कोई भी प्रकार का इन्फ्लामेशन है इंटेस्टाइन का, तो उससे अपन क्या है एस्टिजेंट एनिमा दे सकते हैं। बाकी एंटी एलिमेंटिक एनिमा, किसी भी पेशेंट में अगर यहाँ पे पैरासाइट है उसके इंटेस्टाइन में कोई भी, तो उसको किल और डिस्ट्रॉय करने के लिए अपन एंटी एलिमेंटिक एनिमा देते हैं। और लास्ट जो हमारा हो गया कार्बोनेटिव एनिमा, कि कोई भी अगर रिड्यूस करना है गैसी डिस्टेंशन को, जो पेशेंट के यहाँ पे गैस की वजह से एब्डोमेन डिस्टेंस हो रहा था, तो एनिमा के द्वारा अपन उसको कार्बोनेटिव एनिमा दे सकते हैं, ताकि उस पेशेंट का जो है गैस इजिली पास हो जाए और गैसी डिस्टेंशन जो है वो कम हो जाए। तो ये थे दोस्तों हमारे इवेक्यूएट एनिमा। अब अपन नेक्स्ट जो चलेंगे वो चलेंगे अपने रिटेन एनिमा के बारे में। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको रब करने के बाद में इस साइड में अपन लिखेंगे रिटेन एनिमा के बारे में, तो इसको आप नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, बाकी अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट के बारे में। अब जो हमारा जो नेक्स्ट बचा था हमारा एक कोल्ड एनिमा भी दोस्तों यहाँ पे रह गया, तो कोल्ड एनिमा के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं कि कोल्ड एनिमा जो है क्या है। डायरेक्टली इसको मैं यहां लिख सकता हूं टू रिड्यूस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कौन सा देते हैं, कोल्ड एनिमा जो है देते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस टेम्परेचर इन फीवर, तो अपन कौन सा देंगे, कोल्ड एनिमा देंगे। अगर इसका दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की भी बात करूं, कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो इस यहां पे दोस्तों आप यहां पे क्या करेंगे, स्टार मार्किंग करके लिखेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोल्ड एनेमा। कोल्ड एनेमा अगर आपने दे दिया, जैसे आपको पूछा जाता है कि आपने अगर किसी पेशेंट को ज्यादा फ्लूड दे दिया तो क्या होगा, उससे क्या होता है पेशेंट का सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाता है, उसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है पेशेंट में। तो इसी प्रकार से कोल्ड एनेमा अगर अपन ने दे दिया और ज्यादा दे दिया तो ऑलरेडी वो कोल्ड है, कोल्ड एनेमा से अपने रिड्यूस करना था अपन को टेम्परेचर, लेकिन ज्यादा मात्रा में दे दिया तो क्या हो सकता है, पेशेंट का टेम्परेचर ज्यादा नीचे आ सकता है, लेस देन 95 आ सकता है, यहाँ पे लेस देन 95.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसी को एडल्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और उसके साथ में एब्डोमेन में क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारे किसके, कोल्ड एनेमा के, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन पुट अप होता है, जहां भी मैं स्टार मार्किंग आपको करके बता रहा हूँ। ये अब हो गया टोटल अपने दोस्तों इवेक्यूएट एनिमा के बारे में। अब अपन चलेंगे इसके बाद में जो अपना रिटेन एनिमा है उसके बारे में। मैं दोस्तों अगर अपने नेक्स्ट की बात करूं तो अपना नेक्स्ट जो था वो क्या था, रिटेन एनिमा के बारे में। तो रिटेन एनिमा भी आपको पता है मैंने किसमें कितने आपको टाइप पढ़ाए थे, मैंने बताया था आपको न्यूट्रिएंट, इमोलिएंट, सेडेटिव, एनेस्थेटिक, और मैंने आपको यहाँ पे जो अपना बताया था कि यहाँ पे किस प्रकार से अपन यहाँ पेशेंट को अगर स्लीप इंड्यूस करानी है तो दे सकते हैं, ये सारी मैंने आपको बताई। तो सारा मैं यहाँ पे आपको वन बाई वन लिख लेता हूँ, फिर आपको उनके वन बाई वन जो है वो पर्पस बता दूंगा। पर्पस में कहां से भी क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एनिमा जो है वो रिटेन एनिमा में किस काम में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इससे भी दोस्तों यहाँ पे एक ना एक क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, बाकी कभी कभार इसके हाइट का भी पूछने को मिलता है, सॉल्यूशन रियली पूछते हैं तो कौन से सॉल्यूशन में है, बाकी कौन सा किस काम में आता है वो चीज यहाँ पे पूछी आपसे वो है वो जा सकती है। तो वो चीज अपन पढ़ेंगे कि कितने टाइप के होते हैं और कौन सा किसके टाइप का है। तो अगर मैं इधर लिख लेता हूं सबसे पहले रिटेन
एनिमा। अब रिटर्न एनिमा में जैसे अपन ने पढ़ा था, पहला स्टिमुलेंट एनिमा, दूसरा सेडेटिव, तीसरा न्यूट्रिएंट, चौथा एनेस्थेटिक, और पांचवा जो अपन ने पढ़ा वो इमोलिएंट। इमोलिएंट एनिमा ठीक है, ये जो है इसके टाइप्स हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे सबसे पहले कि स्टिमुलेंट एनिमा यहां पे क्या होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं अपना स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा की बात करूं तो यहां अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली टू स्टिमुलेट द पेशेंट इन शॉप। किसी पेशेंट को यहां पे स्टिमुलेट करके रखना है, ठीक है, तो अपन क्या है यहां पे रेक्टम के द्वारा कौन सा एनिमा दे सकते हैं, वो स्टिमुलेंट एनिमा जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमारा यहां पे वो है सेडेटिव एनिमा। इसमें भी क्या है दोस्तों, सेडेटिव एनिमा है तो आप इसको देख सकते हैं कि आपका यहां पे सेडेटिव लिखा है, तो किसी पेशेंट को यहां पे टू इंड्यूस स्लीप, यानी किसी पेशेंट को यहां पे स्लीप इंड्यूस करानी है, स्लीप करानी है, तो कौन सा एनिमा देंगे, सेडेटिव एनिमा हम आपको यहां पे देते हैं। बाकी मैं बात करूं यहां पे एक और न्यूट्रिएंट एनिमा, तो इसके तो आप नाम से पता कर रहे होंगे कि न्यूट्रिएंट एनिमा मतलब टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जैसे यहां पे फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं पेशेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट एनिमा बोलेंगे। एक और था हमारा एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा में क्या है दोस्तों, यहां पे किसी भी पर्पस से पेशेंट को एनेस्थीसिया देना हो, ठीक है, कोई सर्जरी परफॉर्म करनी हो किसी पेशेंट को, तो यहां पे अपन लोग एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं ताकि पेशेंट जो है एनेस्थीसिया में चला जाए और उसको आराम से अपन यहां पे सर्जरी वगैरह वो है कर सकते हैं, अगर अपन को एनिमा देना है रेक्टम के थ्रू। तो ये थे दोस्तों यहां पे अपने सेडेटिव एनिमा, स्टिमुलेंट एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा और न्यूट्रिएंट एनिमा के बारे में, जो कि मैंने आपको यहां पे आगे बता दिए गए। बाकी का आपका एक और बचा है जो कि आपका इमोलिएंट एनिमा। तो इमोलिएंट एनिमा किस काम में आता है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इमोलिएंट एनिमा, तो यहां पर लिख सकते हैं टू स्मूथ इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी मेम्ब्रेन्स वगैरह जो है उसको यहाँ पे क्या करेगा, स्मूथ करेगा। तो ये थे दोस्तों मैंने सारे जो आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि आपका इमोलिएंट एनिमा क्या है, आप ये भी देख सकते हैं स्मूथ किसको करेगा दोस्तों, उसकी जो मेम्ब्रेन है उनको यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको यहाँ पे क्या करेगा, स्मूथ करेगा। तो ये थे दोस्तों यहाँ पे सारे टाइप के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा कि यहाँ पे जो है हाइट के बारे में और थोड़ा टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनिमा के बारे में जो कि आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। बाकी के जो रहेंगे इम्पोर्टेंट वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। दोस्तों जो हमारे बाकी के टेम्परेचर की बात करूं और कितना इसका हाइट रहेगा, तो वो मैं आपको इसमें एक टेबल बना के बता देता हूँ कि कितना एडल्ट के लिए कितना, चिल्ड्रन के लिए कितना और यहाँ पे आपका इन्फेंट के लिए कितना जो है वो हाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रिटेन एनिमा में और यहाँ पे इवेक्यूएट एनिमा में जो है आप कितना
हाइट, वो दोनों में डिफरेंस में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कितना में डिफरेंस में आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं दोस्तों बात करूं, मैंने जैसे यहाँ पे प्रिपेयर किया है टेबल एक, कि यहाँ पे अगर पेशेंट को इवैक्यूएट एनेमा देना है या फिर रिटेन एनेमा देना है, तो एज के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर एडल्ट जो एज है अगर किसी पेशेंट की, तो 500 से 1000 ml जो है वो इवैक्यूएट एनेमा देना है, और जो 100 से 150 ml है वो रिटेन एनेमा देना है। उधर ही मैं अगर बात करूं यहाँ पे आपकी, अगर पेशेंट चाइल्ड है तो चाइल्ड में 250 से 500 ml और अगर 50 से 100 ml अगर रिटेन एनेमा देना है, तो इन्फेंट है तो अप टू 250 ml अपन दे सकते हैं, बाकी अप टू 50 ml दे सकते हैं रिटेन एनिमा में। इवैक्यूएट और रिटेन में दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंस बता दिया गया है, तो इवैक्यूएट में क्या देते हैं और रिटेन में क्या देते हैं। इधर अगर अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यहाँ पूरी टेबल ही आपके लिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 स्टार लगाया है, यहाँ से आप कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है पुट अप हो सकता है, चाहे वो आपको पोजिशन के बारे में हो या फिर टेम्परेचर के बारे में हो। टेम्परेचर की बात करूं तो एडल्ट में यहाँ पे 105 से 110 डिग्री फारेनहाइट, किसमें आपका आपका इवैक्यूएट एनिमा में, और एट बॉडी टेम्परेचर आप रिटेन एनिमा में। चाइल्ड में 100 डिग्री फारेनहाइट इवैक्यूएट में, और रिटेन में एट बॉडी टेम्परेचर सेम, और चाइल्ड में 100 डिग्री फारेनहाइट इवैक्यूएट में और रिटेन में सेम एज बॉडी टेम्परेचर। अब मैं ट्यूब की साइज की बात करूं कि कितना ट्यूब जो होना चाहिए वो साइज होनी चाहिए दोस्तों, तो एडल्ट की जो ट्यूब साइज होगी एनिमा में वो होगी 22 फ्रेंच, और यहाँ पे जो रहेगी रिटेन एनिमा में भी 22 फ्रेंच रहेगी। चाइल्ड की बात करूं तो 14 से 18 फ्रेंच यहाँ पे सेम रहेगी आपकी, इन्फेंट में आपका 12 फ्रेंच और सेम इन द रिटेन एनिमा में। अगर मैं इंसर्ट की बात करूं कि जो ट्यूब है वो कितनी इंसर्ट करके रखनी है, तो 3 से 4 इंच दोस्तों एडल्ट में आपको करनी है, और बाकी जो चाइल्ड में है वो आपको 1 से 1.5 इंच यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पे टेबल जिसको मैंने स्टार मार्किंग किया है। बाकी की कुछ 3 चीजें और है वो मैं आपको बता देता हूँ इसको जो है वो रब करके, ठीक है। तो बाकी का यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप हो सकता है कि जो एनिमा के टाइम पे हम दोस्तों यहाँ पे कौन सी पोजिशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि इजिली जो है अपन यहाँ पे जो इवैक्यूएट है या फिर रिटेन एनिमा है वो हम यहाँ पे पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं इजिली, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के और बिना कोई दिक्कत के हम यहाँ पे पेशेंट को जो है वो एनिमा दे सकते हैं। तो दो तीन चीजें और है जो मैं आपको ऑलरेडी और क्या है टेबल के माध्यम से यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, कि आपसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एनिमा देते टाइम दोस्तों कौन सी पोजीशन पेशेंट को देते हैं। तो यहां अगर इवैक्यूएट एनिमा की बात करेंगे तो भी लेफ्ट डेटर और लेफ्ट सिम्स, और अगर रिटेन की बात करेंगे तो भी यहाँ पे आपकी सेम रहेगी लेफ्ट डेटर और लेफ्ट सिम्स। इसको दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार मार्किंग करके लिखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और ऑलरेडी आपसे आगे भी पूछा जा सकता है, चाहे वो CHO का एग्जाम हो या और कोई अदर एग्जाम्स हो, के यहाँ पे कौन सी पोजीशन आप पेशेंट को देते हैं एनिमा के टाइम पे। अब बात करेंगे दोस्तों हाइट की, तो हाइट का भी क्वेश्चन यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे। ये भी पूछा जाता है कि कौन से जो है वो हाइट पे, कितने आप हाइट पे रखेंगे, तो आप इवैक्यूएट एनिमा में यहाँ पे 45 सेंटीमीटर आप यहाँ पे एनिमा की हाइट को रखेंगे, और रिटेन एनिमा में आप 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे। और चाहे एडल्ट चाइल्ड या इन्फेंट हो, तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो एडल्ट चाइल्ड और इन्फेंट की 5 से 10 मिनट दोस्तों यहाँ पे आपको इवैक्यूएट एनिमा में देते हैं, एक्सेप्ट किसको, ऑयल एनिमा में। ऑयल एनिमा में क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, कि आपका जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करने के लिए अपन ऑयल एनिमा देते हैं, ठीक है। और 2 से 3 घंटे दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिटेन एनिमा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जो थी हमारे एनिमा के बारे में। तो एनिमा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी क्या बताया, एनिमा होता क्या है, क्या इसका पर्पस है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने सब टाइप्स के होते हैं, उनमें भी कौन से टाइप्स होते हैं, बाकी एक एक का मैंने आपको पर्पस बता दिया, बाकी बाद में इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कितनी हाइट होनी चाहिए, क्या इसकी कौन से एज पे कितनी देनी चाहिए, पोजीशन कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, टाइम क्या होना चाहिए, साथ में आपका मैंने ये भी बताया कि ट्यूब कौन सी होनी चाहिए, कितने फ्रेंच की होनी चाहिए,
ट्यूब को कितना इंसर्ट करना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कितने ml आपको देना है, सारी मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे जो जानकारी जो है दी है। जो भी एक एनिमा से क्वेश्चन पुटअप होता है वो आपको आपके यहाँ से देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन मैं आपको और किसी वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये वीडियो लंबी होने के कारण मैंने आपको इतना शॉर्ट में बताया, लेकिन यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एनिमा के बारे में वीडियो। सो कैसी लगी हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करिएगा, और अगर आपको ज्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों इसमें आपको एक बार शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो पहुंच सके और उनको भी पता चले कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो पढ़ाया जाता है। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप हमारे जीतन ट्यूब चैनल के माध्यम से मिस ना कर पाए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।